भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके चलते यहां बरेली लोकसभा चुनाव कार्यालय नेहरू पार्क कॉलोनी में खोला गया है। इस अवसर पर चुनाव कार्यालय में हवन का आयोजन किया गया। हवन के मुख्य यजमान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष कुमार गंगवार और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती गंगवार रहीं। हवन के उपरांत भाजपा के क्लस्टर प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि बरेली लोकसभा क्षेत्र से 8 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उद्घाटन समारोह के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है और देश का जनमानस नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि भाजपा इस बार 400 का लक्ष्य पार करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या, मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, लोकसभा प्रभारी राकेश गुप्ता, बरेली लोकसभा संयोजक राजकुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। हमारी पार्टी हर चुनाव के प्रति गंभीर होती है और लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में सभी स्थानों पर, सभी लोकसभा केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर हम अपने कार्यालय की शुरुआत करें। आज यहां पर इस बरेली जिले में कार्यालय की शुरुआत हुई है और सारे प्रमुख साथी यहां पर हैं और हमारा लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतने का काम करे। लोगों का मानना है इस समय जो देश का माहौल है, 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से आगे कार्रवाई कर रहे हैं उसका ये परिणाम है। आज इसके तहत ही यहाँ पर कार्यालय की शुभारंभ यहाँ पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी नेता और देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गति के साथ विकास पर भारत आगे बढ़ा है, आज जन जन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, युवा कल्याण के कार्यक्रम, जन जन तक जुड़ने वाले कार्यक्रम और बरेली के अंदर हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और मैं कह सकता हूँ विकास पुरुष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बरेली में विकास के अद्भुत कार्य हुए हैं वो अपने आप में कीर्तिमान है। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और जिस तरह से संगठन के निर्देशन पर आज कार्यालय खुला है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के जो काम है, जिस तरह से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज का उत्साह देख करके लगता है कि इस बार एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली विजय बरेली लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन को आगे बढ़ाते हुए होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज कार्यालय का उद्घाटन, मोदी है तो मुमकिन है। राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके मुंह से न्याय शब्द अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस ने अन्याय तो किया है देश में, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है और जिन्होंने लगातार अन्याय किया हो वो न्याय की बात करें तो मुझे लगता है राहुल जी के मुंह से न्याय की बात अच्छी नहीं लगती।